नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर। निफ्टी ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप कि आप लोगों ने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। जो लोग भी हमारे चैनल को अगर फॉलो करते हैं, रेगुलर कंटिन्यूस देखते हैं, तो उनको पता है कि शॉर्ट कवरिंग पॉइंट क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करना है। और कल की वीडियो में हमने बात किया था कि आपको निफ्टी मोमेंटम देगा कल। आप यहाँ पर देखें शॉर्ट कवरिंग पॉइंट क्या है, यानी शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क नहीं किया था, लेकिन वीडियो के अंदर हमने बात किया था कि 26,100, 26,200 के ऊपर, यानी इसके बीच में मार्केट रहेगा। तो बेस्ड ऑन द अगर डेटा आप इतना एक दिन पहले अगर एनालिसिस कर लेते हैं, तो समझिए कि वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस है। तो कल हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं आप कि हमने क्या बात की थी। चलिए, अब आज हमने लाइव में क्या किया, थोड़ा उसकी भी हमने एग्जाम्पल दे लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाइव में क्या यहाँ पर हुआ था। तो ओवरऑल आज अगर बात करें यहाँ पर, आप देखें निफ्टी सपोर्ट 25,296, रेजिस्टेंस 26,275, न्यूट्रल पॉइंट 26,100 ऊपर था। अब यहाँ पे 10:18 पे निफ्टी 26,130 टच करेगा, मैंने ये बात कर दिया, यानी यहाँ पे ऊपर रहा। अब निफ्टी 10:18 पे कहाँ पे था, उससे पहले क्या था, 5:15 का चार्ट मैं यहाँ पे देखूँ तो लगभग 10 बजे यहाँ पर देखें 26,036 के आसपास चल रहा था, 26,056, यानी यहाँ से लगभग 70-80 पॉइंट ऊपर। और ये आपको आ गया लगभग दोस्तों, आप देखें 2 बजे, लेकिन ये 2 बजे भी हमें पहले पता चल गया कि मोमेंटम क्या है यहाँ से अपसाइड पर। एक्सपेक्टेड मोमेंटम आफ्टर 2 PM कि जो एक्चुअल मोमेंट आएगा वो आपको 2 बजे के बाद आएगा। तो आप अगर ये वाली लाइन देख सकते हैं यहाँ पे 11:32, दोस्तों कोई इसमें एडिट नहीं है, यानी जो मोमेंटम होगा वो आपको 2 बजे के बाद एक्सपेक्टेड मोमेंटम है। एक अच्छा मोमेंटम मोमेंटम आया क्या, तो आप देखें करेक्ट 2 बजे ये जो आपको डीप मारा निकाला यहाँ से, इसका लो जो था 26,98 और इसके बाद रुका ही नहीं। तो ये डेटा पहले पता चल जाता है, बता देता है डेटा आपको कि कहाँ पर मोमेंटम होने वाला है, ऐसा क्या है डेटा में। आखिर ये डेटा कहीं ना कहीं तो डेटा ही होगा, मुझे यहाँ पे थोड़ी दोस्तों ऐसे पता चल जाएगा। और कोई प्राइज एक्शन यहाँ पे बता नहीं रहा था, आप देख सकते हैं कि मोमेंटम जो है बिल्कुल रेंज बाउंड था। तो बड़े प्लेयर की साजिश होती है ये, आपको मार्केट को मोमेंटम देने में आपको झिला देंगे पूरा। जो बंदा अगर कॉल में यहाँ पर बैठा होगा इस प्राइज में, उसका पूरा प्रीमियम DK हो गया होगा लगभग, आप देखें तो वो पूरा प्रीमियम DK कर गया होगा, यानी उस वो बिल्कुल बैठ नहीं सकता है ना। तो ये आखिर कैसे मोमेंटम आया, कौन सा ऐसा डेटा था जो हमें सजेस्ट कर रहा था, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले अगर हमारा कल का टारगेट देखें, तो हमारा टारगेट 26,287 का था और मिनिमम डाउन साइन 25,865, ये टारगेट था। आप देख सकते हैं कल की जाके वीडियो, ये ओवरऑल डेटा के ऊपर होता है सब कुछ, बेस्ड ऑन द डेटा। आप देखें माइंड दिस मेज पावर ऑफ डेटा एनालिसिस। और एक छोटा सा ग्रुप है हमारा, उसमें भी मैंने यहाँ पर मैसेज पहले कर दिया था। अब देखें इसके बाद 26,140, 26,160, 240 को मैंने मोमेंटम कर दिया, नो डाउन साइड, सो डोंट ट्रेड इन पुट। 26,200, 220 मैक्सिमम, वहाँ से भी 30 पॉइंट ऊपर गया। तो आप समझ सकते हैं कि इतना अगर मोमेंटम आप पकड़ लेते हैं। अब ये 241 को मैंने मैसेज किया, 241 में कहाँ तक था, आप देखें 241 में ये लगभग 241, 240 यहाँ पे 170 चल रहा, उसके बाद भी लगभग 140, यानी लगभग 80 पॉइंट्स का मोमेंटम आया और हाई यहाँ पे 26,249 का लगा। तो दोस्तों डेटा के ऊपर संभव है, तो आपको आखिर ये डेटा कैसे पता चलेगा। तो सब कुछ देखिए, हम तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं ओवरऑल, इसके लिए आप हमारे वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों, अगर आपको ये सब कुछ सीखना है कि कैसे होता है लर्निंग। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल मार्केट में क्या रहेगा, मोमेंटम क्या होने वाला है कल का मार्केट। आज बहुत सारे पोजीशन क्लोज हुए होंगे फ्यूचर के भी, तो इसके बेस पे हम एनालिसिस करेंगे। रिटेल ट्रेडर अभी भी 2,32,000, 2,37,000 उन्होंने पोजिशन अपनी कोई क्लोज नहीं की, इनका नेक्स्ट का ही पोजिशन था, बेरिश है। DI रोल ओवर कर लिए, ओनली 8,000 पोजिशन उन्होंने क्लोज किया, 54,000 टी बेरिस हैं अभी। FII ने लॉन्ग पोजिशन क्लोज की, शॉर्ट भी क्लोज किया यहाँ पे,
तो इन्होंने क्या किया, रोल ओवर नहीं किया, ये जो इनका मोमेंटम था, ये पूरा जो वो था वो पोजीशन सितंबर में नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पोजीशन था, यानी यहाँ से अभी भी पुलिस हैं ये कौन, FII। और प्रो ने आज शॉर्ट क्लोज की लॉन्ग इनिशिएट कर दिया, प्रो भी बुलिश हो गए रेट ऑफ चेंज के हिसाब से, ओवरऑल तो बेरिस है लेकिन रेट ऑफ चेंज के हिसाब से वो बुलिश हो गए। अब आप, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो स्टॉक फ्यूचर होता है वो मोमेंटम का होता है FII का। आप अगर कुछ दिन पहले देखे होंगे तो इनका 8% आ गया था, उसके बाद सीधा वहाँ से 13% चले गए, आज इनका देखें 17%, शॉर्ट क्लोज किया थोड़ी सी लॉन्ग बढ़ाई, यानी रिटेल ट्रेडर क्लोज कर रहे हैं, DII यहाँ पे बेरिस हैं, FII फुल्ली बुलिस, प्रो भी बुलिस, किसमें, स्टॉक फ्यूचर में। अब मेन डेटा यहाँ पे हम बात करते हैं इंडेक्स ऑप्शंस का। रिटेल ट्रेडर बहुत ज़्यादा बेरिस थे, कल हम बात किए थे कि आप यहाँ 1,36,000 35,000 कॉन्टेक्ट्स बना हुआ था, आज दोनों साइड पोजिशन क्लोज हुआ है, जिससे इनका थोड़े पोजिशन आपको कॉल बाइंग में आ गया, ओवरऑल 6,55,000 अभी पोजिशन है इनके पास कॉल की शॉर्टिंग की, यानी कॉल सेल करके गए। पुट साइड 23 लाख पोजिशन क्लोज, यहाँ पे 25 लाख पोजिशन, यानी कॉल बाई एंड कॉल सेल, पुट बाई पुट सेल में, तो नेट टू नेट 2,33,000 पुट बाइंग की ज़्यादा पोजिशन क्लोज हुई, सॉरी पुट सेल की, पुट बाइंग की पोजिशन बढ़ गई, 3,58,000 इनके पास पुट सेल है, कॉल सेल 6,56,000, तो ये यहाँ से बेरिस हैं, यानी अच्छे क्वांटिटी के साथ बेरिस हैं। DII ऑलरेडी बेरिस बैठा हुआ है 1,97,000 कॉन्ट्रैक्ट से, FII के पास 7,25,000 का देखें, यहाँ पे 7,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई था, आज उन्होंने 5,95,000 क्लोज किया, लेकिन कॉल सेलिंग की भी क्लोज की, जिससे 2,55,000 फ्रेश पोजिशन क्लोज हुआ है, यानी ओवरऑल अभी भी 4,89,000 कॉल की बाइंग पड़ी है, 4.89, पुट साइड 3.06 ओनली पुट बाइंग, तो नेट टू नेट 3.8% ज़्यादा कॉल की बाइंग है, वो मोमेंटम अभी भी आएगा, मार्केट बुलिश है। आप ये मत सोचिए कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो ये ब्रेक कर देगा, जब तक आप पूरा फुल्ली रिटेल ट्रेडर बुलिश नहीं होते हैं मार्केट नहीं गिरेगा, इस चीज़ों को दोस्तों माइंड कर लीजिए, मार्केट हमेशा हार्ड मेंटालिटी के खिलाफ चलता है, हार्ड मेंटालिटी के खिलाफ। और आप टीवी देखते हुए तो बंद कर दीजिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बंद कर दीजिए, वो हमारा आपका मामा चाचा नहीं बैठा हुआ है जो आपको एनालिसिस करके दे देगा, वो बड़े लोगों के लिए पैसा लेते हैं, और आपको अगर यकीन नहीं है तो आप जो स्टॉक वो बताते हैं आउट ऑफ 10, 7 to 8 आप सेल कर दीजिए, अगर वो बाई के लिए दे रहे हैं प्रॉफिट रहेंगे, और 7 to 8 अगर वो सेल दे रहे हैं आप बाई कर लीजिए। दोस्तों मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बुक का नाम बताऊंगा, 1997 का बुक में लिखा हुआ है दोस्तों, आप स्टडी करिए खुद की, मेरे पे भी मत मानिए, मैं जो बोल रहा हूँ मत मानिए, लेकिन खुद की आप इसको टेस्टिंग कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे चलता है, कैसे चलता है, होने के बाद तो सब बता देगा कि अरे मैं तो यहाँ चला गया, मार्केट देख लीजिए यहाँ चला गया, होने से पहले अगर आप बताएं तब मार्केट की एनालिसिस आपको आती है। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो अभी जो ये पोजीशन कैरी करके जा रहे हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे लाइव में, बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा लाइव का, और वो हम चर्चा करते हैं अपने टेलीग्राम पर। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फेल नहीं होता, मैं भी फेल होता हूँ, जब मैं फेल होता हूँ तो एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हाँ जब अगर मार्केट में एनालिसिस अच्छा होता है तो अच्छा लगता है, ताकि हमारे हिसाब से जो भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं, जो हमारा परिवार जुड़ा हुआ है निफ्टी ट्रेडर से, वो एटलीस्ट कम से कम कुछ तो प्रॉफिटेबल हो रहा है। चलिए बात करते हैं प्रो का। प्रो के पास देखिए 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल की बाइंग हो गई, 3,15,000 कॉल बाइंग क्लोज किए, 3,92,000 सेलिंग क्लोज किए, सेलिंग क्लोज करने की वजह से इनकी बाइंग की पोजीशन बढ़ गई, कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाए, 1,64,000, और पुट साइड इनके पास अभी 1,44,000 रह गया, कल ज़्यादा था। प्रो यहाँ पे बुलिस, FII बुलिस, रिटेल ट्रेडर बेयरिश, तो मार्केट का डेटा जो बड़ा प्लर किया वो बुलिस है, बाकी लाइव का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव में अगर ये पोजीशन चेंज करेंगे तो पता चलेगा हमको, और मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा आपको। अब आज देखें मार्केट की क्लोजिंग 26,200 शॉर्ट कवरिंग पॉइंट, और इस दोनों के बीच 26,200 250 के बीच होना था, जबरदस्त पुट की राइटिंग थी, कॉल की बाइंग हुई थी। तो कल हम बात भी किए थे कि मार्केट नीचे आएगा तो आपको निकालने आएगा, डरिएगा नहीं आप। अब नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ पे क्या होगा, जो थर्ड की होनी है, इसमें भी बुलिश है, 26,177 का सपोर्ट जहाँ से क्लोजिंग है उसके ऊपर रेजिस्टेंस और ऊपर, राइटर 56-59%, बायर थोड़े पुट में बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है स्लाइटली, बैंक निफ्टी थोड़े से बेरिश लग रहा है,
80%, 76% ओवरऑल 54% बायर भी लेकिन बैठा हुआ है, तो थोड़े से बैंक निफ्टी बेरी से बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्चुअल टारगेट इसके हम देखेंगे, अब मार्केट इतना चला है तो थोड़ा सा जरूर होल्ड करेगा नीचे में, लेकिन कल अभी रहेगा ऊपर में 25,088 का फिन निफ्टी में सपोर्ट, रेजिस्टेंस 25,200। थोड़े इसमें भी राइटर हैं, लगभग 85, 84, 53 ओवरऑल 65, बायर भी देखें 76, 54 यानी ओवरऑल 32, तो बायर भी हैं, वो नीचे नहीं जाने देंगे। और मिड कैप निफ्टी भी थोड़ा बेयरिश है, 13,231, 13,248, 72, 70, 79 ओवरऑल 72%, यहाँ पे 55%। मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी थोड़ा सा बेयरिश है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी बुलिश है। तो ये डेटा हमारा रहा मिक्स अभी, अब टारगेट क्या होगा। तो ओवरऑल आज ये टारगेट हमारा पूरा अचीव हुआ, इसके ऊपर 54,200, इसके ऊपर भी चला गया जो टारगेट था। नेक्स्ट 27th की का 226,263 और मंथली भी यही दिखा रहा है, तो वीकली तो कल मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है या थोड़ा सा ऊपर रहेगा। बैंक निफ्टी 54,500, 53,800 मैक्सिमम डाउन, 54,100 यानी आपको ज़्यादा नीचे के नीचे नहीं है। वीकली टारगेट फिन निफ्टी का 25,400, 25,000 जो मंथली का ये यानी 25,000 के नीचे अभी नहीं है और 25,400 का टारगेट है। तो ये सब दोस्तों टारगेट हैं। और आप मिड कैप निफ्टी देखें 13,200 जो टारगेट हिट किया, 13,200 इसी के आसपास चल रहा है, तो कल बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं होना है, रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है, थोड़ा मोड़ा मोमेंटम तो आएगा। टारगेट कहाँ पे होगा, ऊपर टारगेट। नेक्स्ट मेरा यहाँ से टारगेट अगर ऊपर की तरफ जाता है 26,390 का, ये ऊपर मैक्सिमम, अभी फिलहाल सपोर्ट 26,070, ये हमारा क्या है निफ्टी का टारगेट। बैंक निफ्टी का अपर टारगेट 54,550 और लोअर टारगेट अभी आप ये देख सकते हैं, इमीडिएट के लिए ले सकते हैं 54,200, ये 54,200 नीचे का और ऊपर 54,500। फिन निफ्टी 25,250, डाउन साइड का ये आप निकाल लीजिए 25,000, ब्रेक करता है तो 24,800। तो ये हमारे नीचे के टारगेट, ऊपर के 25,550 का। और मिड कैप निफ्टी आप देखें तो आज पूरे रेंज में रहा, बेरिश था इस वजह से, अभी सपोर्ट फिलहाल 13,230 का है, डाउन साइड 13,081, अपर साइड 13,350 का, ये हमारा टारगेट रहेगा। FII आज कैश में थोड़ी सी बाइंग की है, DINI भी कैश में आएंगे, कैश का डेटा बुलिश है। दोस्तों ये सब कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करते हैं, यूट्यूब पर भी हम करते हैं, तो आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं हमारे कम्युनिटी पर जाके, आप वहाँ ज्वाइन बटन में स्टॉक्स के बारे में देख सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट स्टॉक है वहाँ पे दिया जाता है। तो मैं आपको कम्युनिटी टैब में थोड़ा सा अगर लेके चलूँ तो यहाँ हमने कुछ अभी स्टॉक दिए थे, आप देख सकते हैं IMFA, इसके बाद वर्लपूल, रेलटेल, IRB, BDL, TI इंडिया, टाटा कॉम, ये और ग्रीन प्लाई, ये सब कुछ ये है। इंटरग्लोब एक था जो एक अच्छा मोमेंटम दिया यहाँ पे, और आप उसको देखें तो जो मेरा टारगेट था वो हीट हो गया, इंटग्लो का 8,84, 1,080 ये टारगेट हिट हो गया था ओवर। तो ये सब कुछ दोस्तों ज्वाइन बटन में होगा, वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ यानी आपको एक एक स्टॉक्स की एनालिसिस बताई जाती है, कोई सजेशन कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है दोस्तों। इस चैनल पे आपको डेटा के बारे में बताया जाता है, तो कभी आप अगर टिक्स एंड ट्रिप के बारे में आप लेना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। ओवरऑल डेटा यहाँ से मार्केट की बुलिश है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कहीं सलाह पर ट्रेड करिए, ये चैनल हो सकता है 100% गलत, तो आप बिल्कुल ही इस वीडियो के आधार पर कोई ट्रेड नहीं करिए दोस्तों, ये मेरा एक डिस्क्लेमर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल एक और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।